मैं अभी इस रेनगन को इसलिए ज़रूरी समझा कि मेरे पास 5 HP का मोटर है, स्टैंड बाई है, तो उसको यूज़ करके इस रेनगन को मैं टेस्टिंग करने के लिए मैं 2 सिस्टम लेके जा रहा हूँ। बराबर। हाँ, तो ये पूरा अगर यानी मेरे माइंड में जो है वो सही रहेगा तो पूरा 35 एकड़ में ये लगाने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं 600-700 किलोमीटर दूर चल के ये देखने आए। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, रेट का तो कोई इतना वो नहीं है, ईजी सिस्टम, फार्मर लोगों को ये जल्दी अडाप्ट करना चाहिए। आपका स्टाफ लोग जो है ना वो भी एकदम नंबर वन है, पूरा वो लोग ने हमको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या हाइट ज़्यादा करने से प्रेशर में कुछ बदलाव आएगा क्या? तो वो फायदा ये रेनगन से आपको ज़्यादा मिलता है, और रेनगन से और एक ऐसा फायदा है कि जो सबसे बढ़िया है, ये जो अभी ऊपर से पानी गिर रहा है ना, तो अपन मकई लगाया या कोई चावल कुछ गेहूँ का कुछ ये सब कुछ लगाया तो ये जर्मिनेशन कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी एक सवाल है सर, अपनी जो भी हमारी ज़मीन जो है लंबा चौड़ा है। बराबर। अभी समझो कि इसमें 5 HP वाला मोटर लगाएगा तो 2 गन चलेगा बोल रहा है। बराबर। तो प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? रेन गन मेरे को इसलिए चाहिए, ये खेती में पानी देने के लिए लेबर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रेन गन लगाएगा तो थोड़ा इजी सिस्टम हो जाएगा इससे सोच के, और पानी भी है ना, यानी बारिश के जैसे पानी जैसे गिरता है तो 700 किलोमीटर से आप आए, और आपका नाम क्या बोला आपने? देवा रेड्डी जी। और जयतियार से आए? जगतियार। राज्य कौन सा, स्टेट कौन सा? तेलंगाना का। तेलंगाना। चलो बढ़िया सर, आप इतने लंबे से आ चे तो हमको अच्छा लगता है। और सर पूछिए, आपको क्या सवाल है रेनगन के बारे में? रेनगन मेरे को इसलिए चाहिए, ये खेती में पानी देने के लिए लेबर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रेनगन लगाएगा तो थोड़ा इजी सिस्टम हो जाएगा इससे सोच के, और पानी भी है ना, यानी बारिश के जैसे पानी जैसे गिरता है तो क्रॉप को भी यानी मतलब उनके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी गंदगी है वो वाश आउट हो जाती है, कुछ कीड़ है वो वॉश आउट हो जाती है, तो उनकी जो पत्तियों की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, सामान्य भाषा में उनकी जो खाना बनाने की प्रोसेस है, जो सनरेज की वजह से बनती है वो बढ़ जाती है। मतलब बारिश के दिनों में हम क्या बोलते हैं यार, बहुत मौसम अच्छा लग रहा है, हर फसल, हर पेड़ हरा भरा लग रहा है। बिल्कुल। और वो जो पेड़ है वो भी अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको अच्छे से सब खाना मिल रहा है, उसके लिए पोषक वातावरण है, तो वो फायदा ये रेनगन से आपको ज्यादा मिलता है। आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए सोच रहे, और जब ऊपर से पानी आता है ना, तो जो तत्व है, जैसे बारिश गिरती है तो ऊपर के हवा में जो तत्व है वो नीचे लेके आती है, उसमें ज्यादातर तौर पे अपन नाइट्रोजन अपने काम का है, तो वो भी नीचे आ जाता है, तो वो एक फायदा होता है। और रेनगन से और एक ऐसा फायदा है कि जो सबसे बढ़िया है वो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का। मतलब अब भी जैसे दिन है कि सुबह बहुत ठंड थी, दिन में बहुत धूप है, तो अपन लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बीमार जैसा लगता है। तो कई सारे मुझे ऐसे किसान मालूम है कि जिन्होंने ये रेनगन का इस्तेमाल टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए किया है। मतलब हमारे यहाँ केला लगवाते हैं ना, या वहाँ पे हमारे बाजू में नासिक है, नासिक में अंगूर लगवाते हैं, तो वो उनके खेत के आजू बाजू में कपड़े का फेंसिंग करते हैं। क्यों करते हैं कि भाई जो गर्म हवा है जो उसको वो अंदर नहीं जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि कभी आप नदियां किनारे जाते हो या कोई बड़े तारक के किनारे जाते हो तो वहाँ ठंडा लगता है क्योंकि पानी है बाजू में। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ये जो बूंद ऊपर से आती है ना, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। मुझे एक सवाल है सर, अब ये जो अभी ऊपर से पानी गिर रहा है ना, तो अपन मकई लगाया या कोई चावल कुछ गेहूँ का कुछ ये सब कुछ लगाया तो ये जर्मिनेशन कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा सर? देखो अपना कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? उसमें कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक मतलब भाई फसल को मार बैठेगी क्या, या फसल को कुछ फ्लोरिनेशन हुआ है तो वो गिर जाएगा क्या? फ्लोरिनेशन का टाइम में कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा कुछ? सर मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि ये प्रकृति ना, तो प्रकृति का ऐसा रूल है कि जब उसको फ्लोरिनेशन होना है, या सिंपल भाषा में जब उसको बारिश की जरूरत है, जब उसको पानी की जरूरत है, तब उसको कोई नुकसान नहीं होता है।
अच्छा अच्छा ओके। और जब नुकसान होता है तब उसको पानी की जरूरत नहीं है। तो नुकसान कब होगा? जब आप गलती करेंगे। अभी हमारे गार्डन में आम का पेड़ है, हमारे लोगों ने क्या किया कि उसका पानी ही बंद किया नहीं। कल तक पानी चालू था तो आज सुबह हमारे मतलब मैं बात चल रही थी तो वो लोग क्या बोल रहे थे, यार इस बार अपने आम को कुछ फ्लोरिनेशन हुआ ही नहीं, बोले आजू बाजू के पेड़ों को अच्छा फ्लोरिनेशन हो गया लेकिन अपने आम को फ्लोरिनेशन हुआ नहीं, तो ये अपना आम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं बोला आम प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप लोग प्रॉब्लमेटिक है। आपने टाइम पे उसका पानी अगर कट किया रहता था तो उसको फ्लोरिनेशन होता था, ये प्रकृति का नियम है। सर दूसरे एक सवाल है सर, अपने जब हमारी जमीन जो है लंबा चौड़ा है बराबर, अभी समझो कि इसमें 5 HP वाला मोटर लगाएगा तो 2 गन चलेगा बोल रहा है बराबर, तो प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? मतलब आपका ये सवाल है कि आपका पानी लंबे से आया है और आप 2 रेनगन लगवाएंगे तो उधर प्रेशर बढ़ के पाइपलाइन फूटेगी क्या? जो आखिरी वाले में अगर लगाएगा बराबर, यही सवाल है आपका। तो सर वापिस वही आएगा, सर गाड़ी लिया तो गाड़ी एक्सीडेंट होके अपने को लग सकता है क्या? इसका जो जवाब है वही जवाब इसका है कि सर देखो लंबे से पानी आए, पास से पानी आए, अगर आप प्रेशर कंट्रोल बराबर करेंगे नहीं तो आपकी पाइपलाइन फटेगी, इससे भी फटेगी, ड्रिप से भी फटेगी, और सादा जो आप पानी देते हो फ्लड इरिगेशन उसमें अगर आप कॉक बंद करके रखेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो पाइपलाइन फटेगी। तो इसका एक सिंपल सा ये है कि भाई आपको प्रेशर कंट्रोल करना है और इसके ऊपर भी आपको डर लग रहा है तो आप प्रेशर रिलीज वाल लगवा दीजिए कि जो अगर आपका प्रेशर एक सर्टन स्टेज के ऊपर जाता है तो पानी ऑटोमेटिक बाईपास करता है तो आपके पाइपलाइन पे दबाव बढ़ता नहीं है। और ये जो मेंटेन करने की बात मैं कर रहा हूँ तो ये कैसे करते हैं कि आपने पहले दिन आपका मोटर चालू किया, 2 रेनगन लगवा दिए, बाईपास पूरा खुला है, ठीक है, तो अभी पहले देखना कि बाईपास धीरे धीरे बंद करके दोनों रेनगन चल के आपका बैक प्रेशर तो बढ़ नहीं रहा। अगर उस समय में आपका बैक प्रेशर बढ़ रहा है, रोड दोनों रेनगन चल रही है और आपका बैक प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा कि आपके पास ज्यादा पानी है तो आपको कुछ पानी कहीं और इस्तेमाल करना है, तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आपका पाइपलाइन नहीं फूटेगा। लेकिन मान लो कि अभी बाईपास पूरा बंद हो गया और दोनों रेनगन अच्छे से काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या कि आपके पास 2 रेनगन इतना पानी नहीं है, तो आपको 1 रेनगन बंद करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि 1 रेनगन बराबर चल रही है और 1 रेनगन चलाने के बाद वापिस वही सिलसिला करना पड़ेगा कि बाईपास पहले 1 रेनगन बंद, बाईपास खोल दिया, रेनगन बंद कर दी, एक रेनगन चल रही है, अभी बाईपास खुला है तो नहीं चलेगी, फिर धीरे 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 बाईपास बंद करेंगे और अगर ऐसा है कि बाईपास पूरी बंद होने के बाद 1 रेनगन सही से चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 रेनगन इतना पानी है। मान लो कि आधा बाईपास बंद करने के बाद ही आपका रेनगन अच्छे से चल रही है, बैक प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आधा पानी ज्यादा है, ठीक है, वो आधे पानी पे दूसरे रेनगन नहीं चलेगी लेकिन ये रेनगन के लिए वो पानी ज्यादा है तो उसको बाईपास करना पड़ेगा। सर दूसरी एक सवाल है सर, ये जो हाइट जो है ना, ये हाइट बढ़ने से प्रेशर का कुछ? मैं आपको एक चीज पहले ये पूरा कर लेता हूँ फिर आपका ये सवाल का भी। तो सर उस समय क्या होता है कि देखो यहाँ पे एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि 26 मीटर बोला है तो आप 26 मीटर का ही कैलकुलेशन करेंगे तो किसान क्या करता है कि भाई ठीक है दोनों खोल दो, 26 मीटर की जगह 23 मीटर पानी मारेगा तो इस हिसाब से वो प्लान करना है। तो ये पहला सवाल खत्म हो गया। अभी दूसरा जो सवाल है कि हाइट ज्यादा करने से प्रेशर में कुछ बदलाव आएगा क्या? तो कोई आता नहीं है। हाइट ज्यादा करने से प्रॉब्लम क्या आता है कि ये जो रेनगन है ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी ये बहुत जरूरी है। ये क्या है कि भैया इसको हम कैसे गिनते हैं? तो इसको हम ऐसे गिनते हैं कि ये जितने भी एरिया में पानी छिड़काव कर रही है वहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग जगह पे हम बर्तन रखेंगे और स्पेसिफिक टाइम के लिए पानी गिनेंगे। ओके तो ये पानी एक जैसा आना चाहिए तो जिस स्प्रिंकलर का ये 94-95% रहता है उससे ऊपर रहता है वो स्प्रिंकलर अच्छा माना जाता है। मतलब आपने बाकी यूट्यूबर की कई लोगों की रेनगन की वीडियो देखी होंगी लेकिन उनकी ये रेनगन का पानी
और हमारे रेंगन के पानी में अगर आप बाजू बाजू में चेक करेंगे ना तो उनका पानी ऐसा धीरे धीरे कहीं गिर रहा है, कहीं गिर नहीं रहा, क्योंकि सर देखो आपने एक पाइप लिया, आधा इंची पाइप लिया और उसको उंगली लगाया तो वो भी तो पानी छिड़काव करने वाला है, फिर वो स्प्रिंकलर हो गया क्या? नहीं। तो इसमें क्या है सर कि हर जगह एक जैसा पानी गिरना चाहिए, कहीं पे ड्राई पैच नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो अभी इसको देखो दो जगह पे पानी निकालने की हमने व्यवस्था दी है। तो एक जगह से लंबा पानी जाता है, दूसरे जगह से पास में पानी गिरता है। वो दोनों जगह के सामने विशिष्ट प्रकार के डिजाइन किए हुए स्क्रू है, उसको जितना आप ऊपर करेंगे उतना वो पानी कटेगा, बराबर, तो उतना वो फेर के गिरेगा। तो अभी नीचे वाला जो नोजल है ना, या जो ये फ्लैप आ रही है, इससे क्या होता है कि देखो नीचे भी सूखा नहीं रहेगा। मतलब ये सवाल हमेशा किसानों के तरफ से आता है कि नीचे सूखा रहेगा क्या? तो देखो ये हाइट पे ये नीचे सूखा नहीं रहेगा। अभी इसके हाइट अगर आप बढ़ाएंगे ना तो पानी ज्यादा लंबा जाएगा लेकिन नीचे थोड़ा सूखा रहेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई क्रॉप है, कई बार गन्ना है ना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो लोग बोलते हैं, या कई बार आम के पेड़ को वॉश करने के लिए या जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसको वॉश करने के लिए ये रेनगन का किसान इस्तेमाल करता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, ठीक है आप इसको लंबा करो। लंबा करना बहुत आसान है, ये जो स्टैंड है ये पाइप को सिर्फ कपलिंग लगाओ, ऊपर नेपल लगाओ, वो लंबा हो जाएगा एक्सटेंड करने का, बराबर। तो उस समय अभी ये 26 मीटर का गोलाकार में पानी मार रहा है, तो उसको आप 22 मीटर 23 मीटर कंसीडर करो कि अभी अगर नीचे ड्राई भी रह गया तो जब इधर रेंगन चलाएंगे तो इसका पानी उधर चला जाएगा, चला जाएगा। तो ये है। और आपका जो पहला सवाल था कि इसके बूंद से जो फसल है उसको मार बैठती है क्या, तो सर देखो अभी मामूली हवा आई तो अपने ऊपर पानी का छिड़काव आ रहा है, बहुत महीन। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये रेनगन से पानी का ड्रॉप है वो महीन बन रहा है, तो महीन ड्रॉप से कैसे छिड़काव बैठेगा? तो ये उसका जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सर यहाँ पे अगर ये पानी अपने ऊपर नहीं आता था ना, अभी देखो ये अंतर मेरे हिसाब से 20 फीट है, 15 फीट तो कोई भी हालत में, तो अगर वहाँ का ड्रॉप हवा के हिसाब से इतना लंबा आ रहा है तो ये महीन है, तो इससे कोई भी क्रॉप को मार नहीं बैठेगी, बस इतने काफी है। तो सर आप अभी आए इधर तो आपने हमारी हवा वीडियो देखी, तो कुछ किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे कि हम ये जो प्रयोग कर रहे ये फिर रेट में रहे या रेट से ज्यादा, तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप टेक्निकल जानकारी लो, अगर आप जानकारी लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, रेट का तो कोई इतना वो नहीं है, इजी सिस्टम फार्मर लोगों को ये जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए। जो हम एफर्ट ले रहे हैं ये वीडियो बनाते हैं, जो हमारा इंजीनियर लोग आपसे बात करते हैं, तो इसके बारे में कुछ, ये कैसा लगा आपको अनुभव? नहीं, आपका स्टाफ लोग जो है ना वो एकदम नंबर वन है, पूरा वो लोग ने हमको एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सी पाइप और कैसा इसको इंस्टॉल करने का और कितना रेंज में ये पानी देता है और कैसे कैसे इसको यूज करने का पूरा, मतलब सिर्फ बेच नहीं डालते सर। देखो किसानों के तरफ से फोन आता है ना तो उनका पहला सवाल क्या रहता है, हमको बड़ी रेनगन दो। देखो अभी बड़ी रेनगन लिया, अभी एक वीडियो चल रही है यूट्यूब पे, भारत में सबसे लंबा पानी मारने वाली रेनगन 250 फीट पानी मारती है, चलती है। लेकिन वही वीडियो में वही किसान, वो यूट्यूबर भाई ने क्या बोला है कि इसके लिए स्पेशल प्रकार की मोटर लगती है। अरे किसान तो कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, और यहाँ पे यार किसान रो रहा है कि उनको कमाई नहीं है, वो मोटर कहाँ पे बदलाएगा? मैं अभी इस रेनगन को इसलिए जरूरी समझा, मेरे पास 5 HP का मोटर है, स्टैंड बाई है, तो उसको यूज करके इस रेनगन को मैं टेस्टिंग करने के लिए मैं दो सिस्टम लेके जा रहा हूँ, बराबर। हाँ, तो ये पूरा अगर यानी मेरे माइंड में जो है वो सही रहेगा तो पूरा 35 एकड़ में ये लगाने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं 600-700 किलोमीटर दूर चल के ये देखने आए। हाँ, तो आपका सेटिस्फेक्शन हो गया? मेरा सेटिस्फेक्शन है, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू।